फ्रेंड्स, अभी हम लोग इस लग्जरी टेंट जो इस रिसॉर्ट में है उससे बाहर सब मॉर्निंग में निकल रहे हैं और एक मॉर्निंग का एक टूर कर लेते हैं इस रिसॉर्ट का। देखते हैं कैसा दिखता है। आप देख सकते हैं कि नज़ारा निहायत ही खूबसूरत है, काफ़ी वेल मेंटेन्ड है ये रिसोर्ट का पूरा एरिया। गंदगी नाम की कोई भी चीज़ यहाँ पे दिखाई नहीं देगी। दोस्तों, यहाँ पे कुछ लग्जरी टेंट्स भी हैं, विलास भी हैं, तो वो सब लग्जरी टेंट्स हैं जिसमें हम लोग रुके हैं और आगे चल के हम लोग विलास भी देखेंगे जो काफ़ी कॉस्टली है, पर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो वो भी, उसमें भी आप रुक सकते हैं। ये यहाँ का रेस्टोरेंट है, जो भी आप यहाँ पे ब्रेकफास्ट लंच डिनर ये कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा और टेस्टी खाना बनाते हैं इन लोग। इधर का ये नज़ारा है और आगे चल के इनकी प्रॉपर्टी देखते हैं जो काफ़ी दूर तक फैली हुई है। हल्की हल्की सी बारिश भी हो जाती है कभी कभी यहाँ पर। जैसे अभी थोड़ी थोड़ी सी बारिश हो रही है, पर इतना ज़्यादा भी नहीं। तो मैं आपको बता रहा था कुछ टेंट्स, लग्जरी टेंट्स भी हैं, कुछ विलास भी हैं। तो ये विलास हैं, ये थोड़े कॉस्टली हैं पर काफ़ी खूबसूरत है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ये भी अच्छा होगा। यहाँ तो 360 डिग्री का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत है। आगे चलते हैं, हम आपको मचान की तरफ ले चलते हैं जो टॉप व्यू है।
ये इनके प्रॉपर्टी के पीछे की पहाड़ी है जो काफी खूबसूरत दिख रही है। अब इनके रिसोर्ट के टॉप पे इन्होंने एक मचान टाइप का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, देखते हैं वो कैसा दिखता है। ये थोड़ी सी ऊंचाई पे है, तो ये हम लोग इनके टॉप पे मचान पे आ गए हैं। यहाँ सीटिंग अरेंजमेंट आप देख सकते हैं और ये काफ़ी ऊपर से जो कवर्ड एरिया है जो काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। यहाँ पे लोग गेट टुगेदर और छोटी मोटी पार्टियाँ करते हैं, रात को ही एक गेट टुगेदर पार्टी टाइप की हुई है यहाँ पे। और यहाँ से भी नज़ारा काफी खूबसूरत दिखाई देता है। ये रानीखेत का इस रिसोर्ट से के टॉप से व्यू है। ये पीछे पहाड़ का स्ट्रक्चर है। उम्मीद है ये आपको काफ़ी पसंद आया होगा। थैंक यू।